गाइस अभी जिप्सी में बैठ चुके हैं, अभी हमारा गाइड नहीं आया है, उसने वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जिप्सियाँ निकल भी गई हैं, तो अभी अपन वेट कर रहे हैं, जैसे गाइड आएगा तो गाइस इतना वेट कर रहे हैं। गाइड कितनी देर में आ गया, आ गया, आ गया। चलो बांधवगढ़ में 100% टाइगर साइटिंग के चांसेस रहते हैं, तो आई होप हमें भी दिखे अच्छे से टाइगर। बाकी अभी जा रहे हैं हम लोग मगदी जोन में, वहाँ पे 100% दिखते हैं। बाकी तो और भी गेट हैं, ताला जोन है और खितौली जोन है, बफर जोन है, बहुत सारे हैं मतलब गेट, लेकिन अभी हम मगदी जोन में जा रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे 100% दिखता है, और डॉटी और उसके कब्ज भी दिखते हैं, सुबह ही दिखे थे, तो आई होप हमें भी दिखेगा। बाकी गाइस बांधवगढ़ के फेमस टाइगर चार्जर और सीता को तो आप जानते ही होंगे। क्या है वाइल्ड लाइफ सेव करने के लिए कि अभी तो हम लोग मगदी जोन में है, लेकिन ताला जोन में शेष सैया यानी कि विष्णु जी की लेटी हुई मूर्ति है, और साथ ही साथ रीवा महाराज का किला है पूरा ऊपर, ठीक है ना, और कृष्ण भगवान का मंदिर भी है। कभी उस जोन में जाएंगे तो दिखाया गया रूट कर लेते हैं। कितने आ गए वहाँ पे? पहली बार 8 या 9 लाए थे, फिर दोबारा फिर लाए थे। स्पेशल क्या बोलते हैं, प्लेन का डिजाइन भी किया गया था, बनाया था उसको कस्टमाइज हाई स्कूल। ये देखो बंदर। तो गाइस एंट्री कर चुके हैं अपन मगदी गेट में, ठीक है ना। चलो सबसे लास्ट मेरे ख्याल से अपन ही है। हाँ यहाँ तो लाइन लगी है अभी। तेरी मोबाइल निकालना पड़ेगा, मैं सब भूल तो नहीं गए। तो गाइस देखो जिप्सियाँ खड़ी हैं, अभी एक एक करके छोड़ेंगे ना, ठीक है ना। तो गाइस ये खड़ी अपनी जिप्सी, ठीक है ना। चलो चलते हैं कितनी देर में। बाकी गाइस पार्क के अंदर डीजल गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, सारी जिप्सियाँ पेट्रोल हैं। कोई भी पन्नियाँ वगैरह भी नहीं फेंक सकते। गाइस अपन एंट्री कर चुके हैं जंगल के अंदर, ठीक है ना। पूरा आधार कार्ड सब देख लिया गया है। चलो टाइगर लेपर्ड कुछ भी दिख सकता है, ठीक है ना। चलो धूप भी हो गई यहाँ तो बहुत ज्यादा। सारे रूल्स वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि जानवर प्रोटेक्ट रहे और कोई भी बीमारी ना हो। जब जिप्सी अंदर जाती है तो एक केमिकल से भरा हुआ पानी होता है, जिसमें उसके टायर को भिगा के फिर अंदर जाने देते हैं, ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना फैले। और आपको भी यार बाहर कुछ नहीं फेंकना होता, गाड़ी से नहीं उतरना होता, ये सब रूल्स के ऊपर होता है। अगर मान लो आप उतर जाओगे तो आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो गाइड और ड्राइवर होंगे उन्हें सीधा 1 महीने का बैन हो जाएगा, और गाड़ी भी 1 महीने तक, वो 1 महीने तक अंदर नहीं जा सकती। तो यार इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है ना, क्योंकि आपको तो सिंपल से जुर्माना होगा कुछ पैसों का, लेकिन उनको ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए उनकी बातें माने और कोई भी न्यूसेंस ना क्रिएट करें, एंड नॉइस पोल्यूशन ना करें, क्योंकि जंगल में आवाज़ से जानवर मतलब डिस्ट्रैक्ट होता है। अच्छा तो भैया लेपर्ड दिखता है? लेपर्ड बहुत महीने में कई बार अचानक। हाँ ऐसे दिखता नहीं होगा ना। वो एक डॉटी नाम की टाइगर है, वो कौन से जोन में? इसी जोन में। अच्छा इसी में। बाकी बरसात के मौसम में जंगल 3 महीनों के लिए बंद रहता है, उस टाइम पे गाइस कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, केवल गवर्नमेंट की गाड़ी जाएगी, मतलब जो वन विभाग की गाड़ी होती है वही जा सकती है, उसके अलावा कोई और गाड़ी नहीं जा सकती। ये कोर जंगल है? कोर जंगल। कोर जोन है। अभी कंटिन्यू तो हो रही है ना।
नहीं हो रही, हो रही हो रही है। आगे भी मिल जाएंगे जो उसके सींग है ना वैसे वाले नहीं मिलते, मिल जा रहा है जंगल में स्पॉटेड डियर तभी तो। ये देखो भाई इसकी आ तो ग्राउंड है। अच्छा भैया वो क्या बना हुआ है सीमेंट का बना हुआ? हाँ ताकि कोई लेपड़ लेपड़ ना गिरे। अच्छा बीच में यहाँ पे एक फेंस भी था ना जहाँ पे तीन टाइगर थे, किल वो मार नहीं पाते थे कोई को। वहाँ उसको खोल दिया गया। खोल दिया? अच्छा अब नहीं है यहाँ पे कोई? ऐसे तो बिल्कुल डर ही नहीं है, उससे पार्क दे दिया गया। अरे अंकल जी तो खुले में घूम रहे हैं यार। अच्छा अंकल जी फॉरेस्ट में ही होंगे ना, इसलिए डरते नहीं होंगे। खैर इतने ओपन में क्या ही डर। अच्छा तो ये रात नाइट यहीं रहते हैं? नहीं, नहीं रहते। घर बना के दे दिया खाना। सही किया है बंदा। और क्या? बना दिया। मेरे को अभी कोई बोल दे यहाँ से वहाँ तक पैदल में चला भी जाऊँ, रात होता तो रात में तो सबको डर लगता है यार। देखो मानो या ना मानो, वो क्या है काला काला सा? अच्छा जला हुआ लग रही, ऐसा लग रहा था कोई जानवर है। ये भी रिस्ट्रिक्टेड जोन है। जंगल की फीलिंग भी गाइस अलग ही लेवल है। क्यों? जंगल की फीलिंग भी अलग है। पड़ी बैठी हुई है चुपचाप। तो खाने जंगल में पहुंचेंगे तो फोटो खींचो। हां और खाना भी होगा ना ऐसे सेम है कि और भी खाने खाने की जरूरत नहीं। बस ये ऐसे ही है। ताला जोन में है खाने तो कुछ ताला और ताला में ज्यादा है। तो गाइज यार हम लोग एक घंटे से जंगल घूम रहे हैं, अभी तक टाइगर नहीं दिखा है। ठीक है ना, यहाँ पे प्रवेश जी अजी लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब उदास से हो गए हैं और पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ यार अभी थोड़ा मैं भी हारा हारा लग रहा है मेरे को भी, क्योंकि टाइगर ही नहीं दिख रहा भाई। टाइगर तो छोड़ो हिडन भी नहीं दिख रहा। अब अगर आगे दिखता है तो देखते हैं गाइज, दिखना तो चाहिए यार प्लीज़। दिखेगा ज़रूर। गाइज अभी हम लोग मगदी जोन के अंदर हैं, यहाँ पे डॉटी और उसके चार कब्ज़ हैं तो वो यूजुअली सबको दिखते हैं तो हमें भी दिखने चाहिए। आज सुबह ही साइटिंग बहुत अच्छी हुई थी, ठीक है ना, मतलब उसके बच्चों के साथ और वो भी दिखी थी। तो हाँ बाकी उसके चार बच्चे हैं और डॉटी खुद है, उसका बहुत बड़ा इलाका है, मतलब आधा मगदी जोन वो कवर करती है। ठीक है ना, वो और एक बजरंग टाइगर दोनों ही मतलब पूरे इसमें बहुत फेमस है ताला मगदी जोन में। तो हाँ देखो मोर, जंगल में मोर दिखा किसने देखा? किसने देखा? ये अच्छा ग्राउंड है, यहाँ टाइगर आएगा भी तो कोई अलर्ट हो सकता है। ये तो वो ब्रेकफास्ट वगैरह का पॉइंट आ गया। हाँ मॉर्निंग में आते थे यहाँ पे। हाँ बनता है यहाँ पे कुछ पकौड़े वगैरह। भैया आ गए नहीं? कि अगर हम सुबह आते तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट पॉइंट पे हम ब्रेकफास्ट या कुछ चिप्स वगैरह खरीद सकते थे, बाकी हम लोग ला ही नहीं पाए चिप्स वगैरह। तो हाँ मन कर रहा था लेकिन ला ही नहीं पाए। अब शाम को तो मिलेगा नहीं, सुबह ही मिलता। ये देखो गाइस क्या है, ये गोर है। गोर गोर, गोर।
इनकी इनकी हाइट और ताकत में ये बाइसन से जो साउथ के अफ्रीका में मिलते हैं ना उससे ज्यादा पावरफुल होते हैं। हाँ, इनकी ताकत ज्यादा होती है, गाड़ी पलटा देते हैं। अच्छा, सोलार का क्यों लगा है? ये सोलार पानी की तालाब बना है। अच्छा, उसके लिए ठीक ठीक मोटर लगी होगी ना? मोटर लगी। यहाँ कहीं दिख सकता है डेंस फॉरेस्ट। यार जिप्सी में घूमने का मजा अलग है। बस अभी तक नहीं दिखा है, दिखेगा आगे। क्यों? हाँ, स्पॉटेड डियर भी नहीं दिख रहा यार। घूम जाएगा। ये कैंटर है गाइस, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ से मुड़ रहे हैं, ठीक है ना, दूसरी जगह जा रहे हैं। यहाँ सुबह दिखा था, अब आज नहीं, अभी नहीं दिख रहा, अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। डॉट मूव करके भाई, कुछ तो दिखो, कुछ तो दिखो, हिरन दिखा, मुर्गा दिखा तो शेर के लिए तो किस्मत चाहिए। दिखेगा दिखेगा। नहीं यार, मेरी किस्मत तो है क्योंकि यार कई बार दिख चुका है मेरे को। हो सकता है शंकी दीदी, शक है मेरे को आप पे। ये लोग वापस आ रहे हैं, दिखा कुछ? अरे पीछे भी काफी गाड़ियां हैं यार। हाँ, फिर यहाँ अपने पीछे बहुत गाड़ियां हैं, बहुत नहीं सलेंदा से नहीं आए, ये चेक करके अब जा रहा था सलेंदा, पर ये एक विजय मिला था, वो विजय बोल रहा है कि शायद डॉटी चली गई शेर मार। अच्छा, आप लोग भी हो पूरे दिन में? नहीं, तो बहुत सारी है। नहीं नहीं नहीं, ये लोग टेंस के हाल अलग होती है इनकी। क्लोज करे, कम क्लोज करके बैठा होगा ना वो, कहीं ना कहीं बैठा होगा, दिख तो रहा नहीं है कहीं। वो लोग भी देख रहे हैं। टूरिस्ट गाड़ी कहाँ निकल गई? सब घूम रही है, घूम रही है। मम्मी जी टाइगर देख रही है, वो ढूंढ रही है। आप सो जाओ। क्या बोल रहे हैं? मेरे को तो नहीं लगता कुछ है इसमें। देखो यार, जंगल में कुछ नहीं। झुकी हुई, हाँ, बीच से जो हल्की गाय, जो झुकी हुई घास है उसमें से टाइगर जाता है। मतलब कोई कोई भी जानवर जा सकता है ना? नहीं, टाइगर केवल टाइगर। ये देखो, ये बेचारे डर के साए में जीते हैं। तो गाइस, इस टाइम पे हम पूरी उम्मीद हार चुके थे कि टाइगर दिखेगा, लेकिन तभी हम लोगों को बताते हैं गाड़ी वाले कि वहाँ पे टाइगर दिख रहा है। तो हम लोग सीधा यहाँ से भागते हैं वहाँ की तरफ। बाकी ये और कोई टाइगर नहीं, डॉटी के ही कब्ज है। दूसरे टूरिस्ट बता रहे थे 3 है वो। गाइस, एक जगह टाइगर दिख रहा है, अभी अपन वहीं पे भाग के जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। बात खत्म, दिख तो जाएगा। हाँ, वो जा रहा।